तो आज हम बात करने वाले हैं रोड लिंक के इस वायरलेस सेट के बारे में गाइस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये एक्चुअली गाइस, मैं आपको बताऊँ तो ये एक टेक्निकल रिव्यू नहीं होने वाला है कि इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। ये एक ट्रांसमीटर है गाइस, TX लिखा गया है इसके लिए इसके ऊपर। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका, वो होता है RX यानी कि रिसीवर गाइस। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगती है, जैसे कि आपने पढ़ा गाइस, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि मेरे फ्रेंड का है ये गाइस, ये मेरा नहीं है। ये देखिए गाइस, इसके अंदर आप पैंट या फिर जहाँ पे इसको अटकाना है वहाँ अटका सकते हो। इसको शर्ट में उल्टा मत अटकाइए वरना वो गिर जाएंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये मेरे फ्रेंड का है, वो गया था वहाँ पे फिल्म मेकिंग का स्टडी करने के लिए, और उसने मुझे ये पिछले तीन साल गाइस, हाँ 2019 से ये मेरे पास ही है गाइस, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने मुझे दे के रखा है गाइस, और मुझे काफ़ी सही लगता है, और मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा कि उसने मुझे दे दिया, वो यूज़ नहीं कर रहा है। उसके लिए सबको ऐसे दोस्त मिलने चाहिए गाइस। तो इसके अंदर जो बटन था उसको दबा के मैंने उसको स्टार्ट किया था गाइस, और मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। इसको हम लोग खोल सकते हैं गाइस, इसके आगे जो छोटा सा बटन है उसको दबा के बस उसको ग्लाइड करना है और ये खुल जाएगा गाइस। और इसका जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सही है गाइस। इसके अंदर मैंने 2 ड्यूरासेल अल्ट्रा डाल के रखे हुए हैं, और ये जो नॉब है गाइस या फिर ये जो बटन है गाइस, वो मतलब डेसिबल सेट करने के लिए है कि आपका रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या डेसिबल पे रिकॉर्डिंग होगा। मैं इसको यूजुअली 0 पे रखता हूँ और दूसरे वाले को माइनस में रखता हूँ गाइस, क्योंकि मैं यूजुअली माइक में ऑडियो कम रिकॉर्ड करना प्रेफर करता हूँ, और पोस्ट में उसको बढ़ाता हूँ, उससे नॉइस कम आता है गाइस। और ये जो रेड बटन था उसमें, वो पेयरिंग के लिए है गाइस। और ये देखिए ड्यूरासेल AA वाला इसके अंदर डाल चुका है गाइस। और इसको नीचे लीजिए गाइस, ऐसे ही ऊपर मत कीजिए वरना वो ख़राब भी हो सकता है। अच्छे से रखिए गाइस, ये सारे माइक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी काम के माइक्स है गाइस ये। तो गाइस ये ड्यूरासेल है, और ये देखिए कितना सही लग रहा है। ये ट्रांसमीटर है गाइस। मैं हमेशा ट्रांसमीटर और रिसीवर में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो गाइस इसको बंद कर दीजिए। उसके बाजू में एक USB भी है, जिसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया गाइस। तो ये है सबसे कूल दिखने वाला रिसीवर गाइस। इसको हम कैमरे के ऊपर लगाते हैं या फिर किसी भी रिकॉर्डर के ऊपर लगाते हैं गाइस। इसके अंदर एक वायर जाती है जो कि डायरेक्ट रिसीवर में या फिर कैमरा में चली जाती है गाइस। रिसीवर जैसे कि रोड जूम H2N हो गया, या फिर कोई भी अलग आपका रिकॉर्डर जो भी रहेगा, टेस्ट कैम रहेगा, जिसके अंदर भी जा सकती है गाइस। इसके अंदर एक हॉट शू माउंट भी दिया गया है। इसको आप कैमरा के ऊपर भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही भी रख सकते हो। इसको शायद निकाल भी सकते हो, मैं आज तक इसको कभी निकाला नहीं गाइस। तो देखिए इसको घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो कि मतलब ये फिट हो जाए आपके कैमरा के हॉट शू पे। ये बटन दबा के इसको खोल दीजिए गाइस। ये देखिए गाइस, इसमें भी रिकॉर्डिंग, मैंने आपको कहा था कि मैं माइनस में रखता हूँ, इसमें मैं हमेशा -20 रखता हूँ गाइस, क्योंकि उसमें नॉइस बहुत कम आता है। और ये बटन दबा के गाइस वो स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट कर दिया है मैंने। इसके ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक चैनल का CH और एक म्यूट करने के लिए। जब भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो उसको आप म्यूट कर सकते हो। देखिए गाइस, ये दोनों मैंने चालू कर दिए, दोनों मैंने बाजू बाजू में रख दिए हैं। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, रिसीवर ट्रांसमीटर को ढूंढ रहा है और ट्रांसमीटर रिसीवर को ढूंढ रहा है गाइस। और ये काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, ऑलमोस्ट 1 साल से इस सेट को। मैं दूसरे सेट को यूज़ कर रहा था, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे 2 सेट दिए थे एक्चुअली गाइस, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो इसको यूज़ नहीं कर रहा था मैं पिछले 1 साल से, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ये हो जाएगा। तो गाइस जब ऐसा होता है कुछ कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको ये दोनों को खोल के इसके लाल बटन दबाने हैं गाइस, और उससे वो पी पे चले जाएगा और पेयरिंग वाले मोड में चले जाएगा, और इधर से भी आपको बटन दबाते रहना है, और आपको ऐसे एफर्ट्स लेने हैं, और कभी ना कभी वो लिंक हो जाएगा, ये बस प्रे करना है। जैसे कि ये भी 8 पे, अभी वो भी 8 पे गाइस। हाँ हो गया कनेक्ट गाइस, ओके कनेक्ट हो गया है गाइस, और सही है गाइस, ये कनेक्ट हो चुका है, वापस चले गया, वापस से कनेक्ट होगा गाइस। हमें सिर्फ समझना है कि ट्यूनिंग कैसी है। ये एक्चुअली मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बातें कर रहा हूँ गाइस, यूजुअली उसको एकदम सही तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो एक ही अटेम्प्ट में शायद से, तो वो आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लो गाइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था गाइस, ये एक टेक्निकल रिव्यू नहीं है। तो गाइस ये देखिए, ये जो रिसीवर है इसके अंदर ये वायर जाती है, और जो दूसरी होती है वो ऑक्स जैसी होती है, USB क्या बोल रहा हूँ, 3.5 mm का जैक गाइस,
उसको आप अपने कैमरा में डालोगे। और ये है ट्रांसमीटर गाइस, तो इसके अंदर जाता है लेपल माइक वाली वायर, और ये लेबल माइक के साथ कुशन भी मिलता है, इसके साथ एक छोटा सा कुशन भी मिलता है, कुशन नहीं उसको कैट बोलते हैं, डेड कैट या ऐसा कुछ तो बोलते हैं, बट वो बड़े वाले को बोलते हैं, छोटे वाले को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता गाइस, बट उससे हमारी आवाज़ और बाहर का अगर विंड रहेगा तो वो नहीं आता है। इसका लेबल माइक जो है गाइस उसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही दी गई है, इसको सही से लगाओ गाइस। और इसके नीचे गाइस ये देखिए अटकाने के लिए ये दिया गया है, और ये घुमाओ मत गाइस क्योंकि ये डायरेक्ट घूम सकता है, समझ रहे हो, इसको एकदम ध्यान से रखो गाइस, वरना ये घूम गया तो फिर आपको मतलब सिक्योर कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम होगी गाइस। और आपको जब ये पीसी में कनेक्ट करना होता है लेपल माइक डायरेक्टली, मतलब बिना ये रिसीवर ट्रांसमीटर के, तो आपको ये निकालना पड़ता है, और निकाल के उसको सेफ जगह पे रख के फिर बाद में डालो गाइस। ये देखिए गाइस ये ऐसे उसके अंदर चले जाता है, और ये घुमाने का ताकि वो सिक्योर हो जाता है, फिर वो वहाँ से निकलेगा नहीं गाइस। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कोई बाहर की सिचुएशन में होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइट रहे वहाँ पे और निकले नहीं चलते चलते, वरना मालूम पड़ा कि भाई एक्टर कुछ बोल रहा है और ये निकल गया। तो ये देखिए गाइस आप म्यूट भी कर सकते हो और इसमें बातें भी कर सकते हो। तो गाइस धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए, और सॉरी मैं आपको ठीक से